नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। न्यूरोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो दिमागी इलाज करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। और ये भी सच है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक इंसान अपनी किस्मत खुद अपने दिमाग से लिखता है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं धर्मशिला अस्पताल, यानी कि धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल, जो कि मयूर विहार में है। और आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव से, जो कि खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। थैंक यू। आप लोगों से बात करना मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपके मन में जो भी सवाल हैं वो ज़रूर पूछिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों तक भी ये बात पहुँचे, क्योंकि न्यूरोलॉजी में बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन है और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो दोनों ही जो है लोगों को पहुंचना ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि न्यूरोलॉजिस्ट एक्चुअली होता कौन है और इसका क्या काम होता है? देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, ये दो टर्म्स हैं जिसमें यूजुअली पीपल थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब अगर हम आम भाषा में बोलें तो मस्तिष्क से संबंधित बीमारियाँ, जिसमें मस्तिष्क यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन से निकलती हुई एक मोटी सी नाड़ी होती है जो नीचे कमर तक जाती है, फिर नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो जिनको आम भाषा में लोग नसें बोलते हैं, और वो नसें जाकर मसल्स मांसपेशियों को कनेक्ट करती हैं। तो बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड मसल्स, तो इनसे संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं उनको हम ट्रीट करते हैं या डील करते हैं उनसे, और थोड़ा बहुत हम साइकेट्री मीन्स मानसिक रोग के स्पेशलिस्ट। तो मानसिक रोग मीन्स जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, तो यूजुअली ऐसे मरीजों में कोई बीमारी, ऑर्गेनिक बीमारी जिसे हम कहते हैं, मीन्स कि ब्रेन में कोई ऐसी बीमारी, नसों में ऐसी कोई बीमारी, स्पाइनल कॉर्ड में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। ये ज़्यादातर कुछ ब्रेन में जो केमिकल्स होती हैं उनके इम्बैलेंसेस से संबंधित होती है। सर, इससे पहले कि हम पूरा डिटेल डिस्कशन करें इस पूरे बारे में, मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, और फिर आप क्या, कहाँ से आप बिलोंग भी करते हैं, और फिर उसके बाद हम पूरी चर्चा करेंगे कि क्या ये सब होता है। सबसे पहले यही कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से आप हैं? मैं वैसे कई सालों से मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना शुरुआती करियर बतौर डॉक्टर MBBS मैंने MGM मेडिकल कॉलेज है इंदौर मध्य प्रदेश, वहाँ से किया जी। उसके बाद मैंने MD मेडिसिन भी वहीं सेम MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया। उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलिटी DM जो है न्यूरोलॉजी में, वो मैंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में है वहाँ किया। उसके बाद मैं वहाँ कुछ एक दो साल के लिए वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसके बाद चूँकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मैं करीब साल 2011 से मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली के ऑलमोस्ट सब बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है जी। और अभी फ़िलहाल मैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल जो मयूर विहार में है, मैं वहाँ एज ए सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी कार्यरत हूँ। सर, सबसे पहले क्योंकि दिमाग की बात हो रही है और ब्रेन की बात हो रही है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जब भी हम दिमाग की बात करते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले आता है सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो सबसे पहले यही जानना है मुझे कि हेडेक जो है वो कितने तरीके के होते हैं। और साथ ही मैं ऐड ये भी करवाना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम हेडेक के लिए रेगुलरली मेडिसिन ले लेते हैं, चाहे वो डिस्प्रिन है या तमाम अलग तरीके की मेडिसिन हैं, क्या वो ठीक है इस तरीके से रेगुलर मेडिसिन लेना? और सबसे पहले कि ये कितने तरीके के हेडेक्स हैं होते हैं? सरदर्द या हेडेक जिसे कहते हैं, ये बहुत ही मेरे हिसाब से न्यूरोलॉजी का सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है ये, है ना। पर ये सरदर्द के कारण जो हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा कारण हो सकते हैं सरदर्द के। बट अगर हम इसको अमूमन एक कॉमन आसान भाषा में इसको डिवाइड करना की कोशिश करें, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी हेडेक एंड एक होता है सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक मीन्स सिरदर्द के वो सारे कारण जो किसी खराबी के कारण, मीन्स कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, इन सब चीज़ों से अगर नहीं हो रहा है, तो ये सारे जो कारण हैं वो उनको हम कहते हैं प्राइमरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक्स में जो मोटा मोटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 रीजंस हैं, वो है एक टेंशन टाइप हेडेक, एक दूसरा जो जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है वो है माइग्रेन, और तीसरा जो बहुत ही कम लोगों में होता है उसको कहते हैं
क्लस्टर हेडेक, गुच्छा सरदर्द भी कहते हैं इसे, पर ये बहुत ही कम लोगों में होता है। तो दूसरा जो डिवीजन है वो है सेकेंडरी हेडेक्स। सेकेंडरी हेडेक मीन्स ऐसा सिरदर्द की वजह जो किसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, मान लीजिए ब्रेन में इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस हो गया, या इन्फ्लेमेशन है, इनकेफलाइटिस हो गया, या ब्रेन में ट्यूमर है उसकी वजह से सिरदर्द हो रहा है, या कोई और जैसे टाइफाइड है उसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो रहा है, मलेरिया है उसकी वजह से सिर में दर्द हो रहा है, दांतों में इन्फेक्शन है उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, या साइनस की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं साइनोसाइटिस है, उससे हेडेक होना, कान में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हेडेक होना, तो ये सारी चीज़ें इसको कहते हैं हम सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक मेन वो है। और प्राइमरी हेडेक में आपको तीन डिविजन्स हैं, आपको टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक। और मेडिसिन जो ये बड़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है दर्शकों को ज़रूर जानना चाहिए। अक्सर लोगों में आदत होती है कि सिर में दर्द है तो एक डिस्प्रिन खा लिया। यदा कदा सिर में दर्द कभी कभी हो तो उसके लिए तो शायद ये चल सकता है तरीका, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि लोगों में ये एक आदत सी बन जाती है और वो अवॉइड करते रहते हैं दवाइयाँ लेना। तो दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, एक तो ये कि पेन किलर्स, या जैसे डिस्प्रिन मान लो एक पेन किलर है, उसी तरह से बहुत से पेन किलर्स होते हैं, इस तरह से बहुत रेगुलरली पेन किलर खाने से और अपने सिर में दर्द जो आपको हो रहा है उसको प्रॉपर इलाज ना कराने से क्या होता है कि एक अपने आप में एक पेन किलर इंड्यूस्ड हेडेक हो जाता है, जिसको कहते हैं MOH, मेडिसिन ओवर यूज हेडेक। तो इससे होता यह है कि एक तो आपका जो प्राइमरी कॉज, मान लीजिए आपको माइग्रेन है या टेंशन टाइप हेडेक है, तो उसका भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन साथ में पेन किलर खाने की वजह से आपको एक उसकी वजह से एक अलग टाइप का सिरदर्द हो जाता है, या ये कहिए कि एक तरीके से पेन किलर्स का एडिक्शन हो जाता है। तो अगर आप पेन किलर नहीं खाएंगे तो भी सिरदर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात कि पेन किलर्स के अपने बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि लोगों ने सिर में दर्द के लिए पेन किलर रेगुलरली खाया और उसकी वजह से उनका किडनी फेल हो गया, या जिसको कहते हैं आँतों में सूजन आ गई जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, पेट में छाले पड़ गए, लीवर की भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो एक कॉमन ट्रेंड है या लोगों की आदत है कि सिर में दर्द की समस्या को जो है उतना सीरियसली न लेकर जो है पेन किलर्स खाते रहते हैं, वो जो है वो बिल्कुल, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ इसी से संबंधित मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे सिरदर्द के प्रकार हैं जिसको आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, और वो जैसे ही हो आप ज़रूर अपने फिजिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। मसलन अगर कोई सिर में दर्द ऐसा है जिसकी इंटेंसिटी या तेज़ी जो है वो पहले ही बार में बहुत ज़्यादा है, जो कि आप मरीज़ को ये लगे कि इससे तेज़ दर्द तो मेरे आज तक ज़िंदगी में नहीं हुआ, तो इस टाइप के हेडेक्स जब भी हों ज़रूर आप डॉक्टर को दिखाएं। फिर ऐसा सिर में दर्द जो ठीक नहीं हो रहा और उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, आज थोड़ा है अगले दिन और बढ़ गया, तीसरे दिन और बढ़ गया, तो इस टाइप की हेडेक की इंटेंसिटी बढ़ने वाली और जो ठीक नहीं हो रही नॉर्मल पेन किलर से, वो ख़तरनाक हो सकती, ज़रूर इसमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। फिर ऐसे हेडेक्स जो साथ में जिसके फीवर हो रहा है आपके, चलने में दिक्कत आ जा रही है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है आपको, देखने में दो दो दिख रहा है, डबल विजन हो रहा है, इस टाइप के जो हेडेक्स हैं वो ज़रूर यूजली ख़तरनाक होते हैं। फिर इस टाइप के हेडेक जो कि आप दवाई लिए जा रहे हैं और नहीं ठीक हो रहा, ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूर डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। फिर ऐसे हेडेक्स जो कि जिसमें मरीज़ को पैरालिसिस टाइप का हो गया, एक हाथ कमज़ोर हो गया साथ में उसके, तो ये सब इस टाइप के जो हेडेक्स होते हैं इनमें ज़रूर आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इन सब बीमारियों में हेडेक एक बड़ी बीमारी का जिसको कहते हैं ना सिम्टम हो सकता है, पहला सिम्टम हो सकता है। तो इसको जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे और उसका इलाज कराएंगे उतना बेहतर होगा। सर क्योंकि ये जानना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हर बार जब हमें दर्द हो रहा होता है सर में, तो हर बार मेडिसिन लेके उसको दबा देना ठीक नहीं होता, क्योंकि जो मेडिसिन आपके उस भयंकर दर्द को दबा रही है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी इफ़ेक्ट कर रही होगी, मुझे लगता है सर। तो ऐसे में सर आपने माइग्रेन एक वर्ड यूज़ किया, मैं जानना चाहूँगी कि ये माइग्रेन क्या है, और यूजुअली हम कहते हैं कि सुना है हमने कि माइग्रेन का पेन हो रहा है और ये बहुत खतरनाक होता है, इसको डील करना बहुत मुश्किल है, तो इसके बारे में ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके का पेन होता है और कैसे इससे मतलब जो है राहत मिल सकती है।
माइग्रेन के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से ज़रूर बात करना चाहूँगा, बट उससे पहले जस्ट एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि माइग्रेन के जो मरीज़ होते हैं उससे कहीं ज़्यादा मरीज़ होते हैं टेंशन टाइप हेडेक के जी। जो कि सबसे कॉमनस्ट टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक है, तो जिसमें अमूमन जो है पेशेंट को एक भारीपन सिर में रहता है, गर्दन में दर्द बना रहता है, पर वो अपना रूटीन काम करते रहते हैं, मतलब सिर में दर्द है फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। अब मैं माइग्रेन की बात करूँगा और टेंशन टाइप हेडेक की बात इसलिए करना ज़रूरी थी क्योंकि दोनों एक ही डिजीज़ के स्पेक्ट्रम हैं, ठीक है। तो फ़र्क दोनों में ये है कि माइग्रेन जो है, माइग्रेन की गति सीवियरिटी जो होती है वो टेंशन टाइप हेडेक से बहुत ज़्यादा होती है। तो यूजुअली ये एक इसको आम भाषा में आधी सीसी का दर्द या अध कपारी, कुछ अपने पूर्वांचली से अध कपारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये जानते हैं कि ये माइग्रेन का दर्द जो है वो आधे सिर में होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। माइग्रेन का दर्द पूरे सर में भी हो सकता है, यूजुअली ये टेम्पल्स में, इधर टेम्पोरल अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पीछे भी हो सकता है, आँखों में सीवियर पेन हो सकता है, और अक्सर जिसको माइग्रेन होता है वो अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो आम भाषा में टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन में डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है कि ऐसा हेडेक जो आपको बिल्कुल आपका काम को रोकवा दे, फिर मरीज़ को मन करता है कि आवाज़ ना हो, रोशनी ना हो, चुपचाप अपना काम छोड़ के कोशिश करता है कि सो जाए जाके, और नींद से उसको आराम आता है, कई केसेस में वो भी नहीं होता, फिर उनको पेन किलर्स लेना पड़ता है, और कई केसेस में इसमें उल्टी जैसा होना, उल्टी जैसा मन करना, आँखों के आगे लाइट जैसा आना, जिसको ऑरा कहते हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट जैसा आना, वो होना, और कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन में तो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को आधे शरीर में, आधे हिस्से में कमज़ोरी आ गई, आधे हिस्से में झुनझुनापन, सुनपना हो गया, पेशेंट इनफैक्ट कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन में बेहोश भी हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कहने का मतलब माइग्रेन में ये जो सिम्टम्स हैं, ये सारी सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। ये वैसे इंटेंसिटी ऑफ हेडेक में देखा जाए तो ऑब्वियसली मरीज़ को बहुत इनकैपेसिटेट कर देती है, मतलब अगर एक मरीज़ को माइग्रेन का अटैक आया है तो मान के चलिए कि वो उस दिन के लिए, या हो सकता है दो दिन तीन दिन के लिए, वो बिल्कुल उसका असर इतना ख़राब रहता है कि वो उनका पूरा वर्क और लाइफ पैटर्न अफेक्ट कर जाता है। बट एज सच इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा, माइग्रेन के साथ एक भ्रांति भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है कि माइग्रेन तो लाइलाज है, और इसलिए लोग भी इलाज नहीं भी कराते। कई बार मेरे मरीज़ आते हैं, वो ये कहते हैं, सर, मैंने कहा, अरे भाई अभी तक आप सिर्फ पेन किलर खा के माइग्रेन मैनेज कर रहे हैं, तो बोलते हैं, सर क्या करें, हम तो कहीं जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार या जो डॉक्टर होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, वो कह देते हैं, देखिए इसका कोई इलाज तो है नहीं। फिर हम सोचते हैं जब इलाज है नहीं तो ऐसे पेन किलर खाते रहें। तो ये एक बहुत बहुत गलत भ्रांति है। माइग्रेन का इलाज काफ़ी इफ़ेक्टिव इलाज है, खासकर मेन चीज़ हमें मुद्दा ये है कि माइग्रेन का इलाज कम से कम पेन किलर खा के ना करें, है ना, क्योंकि उससे माइग्रेन का इलाज नहीं होगा। पेन किलर आप खाते रहेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ पेन किलर और इंटेंसिटी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, उससे ठीक नहीं होगा माइग्रेन, और साथ ही साथ आपकी माइग्रेन भी वैसी बनी हुई है, तो ना माइग्रेन ठीक होगा ना आपका, और पेन किलर खाने की वजह से आपके जो पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। तो कई मेडिसिन हैं माइग्रेन की जो कि पेन किलर्स नहीं हैं, वो आप उसको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको प्रोफाइलैक्सिस फॉर माइग्रेन बोलते हैं, उन मेडिसिंस को वो हम देते हैं, जो कि डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स कौन सी अप्रोप्रिएट है पेशेंट को, वो हम देते हैं, और वो थोड़ा लंबे समय के लिए चलता है, और वो डेली बेसिस पे खाना पड़ता है, और वो मान लीजिए 4 महीने 6 महीने 8 महीने, डिपेंडिंग ऑन कि कितने साल से पेशेंट को प्रॉब्लम, हम देते हैं और फिर हम धीरे धीरे करके उसको टेपर ऑफ कर देते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के मरीज़ जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे के फिर धीरे से टेपर ऑफ करते हैं, तो उनको यूजुअली माइग्रेन बाद में होता भी है तो कई सालों बाद होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि माइग्रेन एक बहुत हद तक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। माइग्रेन के ट्रिगर्स होते हैं, जैसे अचानक ठंडे कमरे से बाहर कमरे में चले गए, गर्मी में सडन एक्सपोजर टू सनलाइट, धूप, ठंडी का अचानक से एक्सपोजर, कॉमनेस्ट जो है ट्रिगर है वो है भूखे रहना, जैसे ब्रेकफास्ट 12 बजे कर रहे हैं, 1 बजे कर रहे हैं, स्ट्रेस, टेंशन, नींद पूरी ना होना, कुछ खास टाइप के खाने की चीज़ें, उससे चॉकलेट्स होती हैं, वाइन, इन चीज़ों से लोगों को ट्रिगर हो जाती हैं। तो ये सब ट्रिगर्स हैं माइग्रेन के। तो जो माइग्रेनर्स होते हैं, हम उनको ये वो करते हैं कि आप जो है ना, इस टाइप की जो दवाइयाँ हैं वो मतलब
आप इन ये जो ट्रिगर्स हैं आपकी माइग्रेन की, इन चीज़ों को अवॉइड करें, अच्छी लाइफस्टाइल रखें, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, मॉडरेट एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, इन सब चीज़ों को अगर आप साथ में करते रहेंगे और ट्रीटमेंट भी लेंगे, तो जब हम ट्रीटमेंट को धीरे धीरे हटा रहे होते हैं तो फिर ऐसे पेशेंट्स को दोबारा माइग्रेन नहीं होता। तो ये एक सबसे पहले तो ये भ्रांति की माइग्रेन लाइलाज है, उसको ज़रूर दूर करना ज़रूरी है। और प्लस भगवान के लिए कम से कम माइग्रेन के लिए सिर्फ पेन किलर खा के इलाज ना कराएं। और भी चीज़ें आ गई माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए, कुछ इंजेक्शन्स होती हैं बोटॉक्स की, वो भी हम लगाते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं आजकल माइग्रेन के ट्रीटमेंट। तो वो एक एक ऐसा फील्ड है जो धीरे धीरे करके नए आयाम, नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं। बट बॉटम लाइन इज़ कि माइग्रेन को नेग्लेक्ट ना करें और उसका ट्रीटमेंट लें, न कि बस सिर्फ पेन किलर खाते रहें। सर एक चीज़ और जो है वो हम जानना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप इस पर टिप्पणी ज़रूर करें, वो ये कि अक्सर हमने देखा है कि जब पेन होता है, चाहे वो हेडेक है, चाहे वो किसी भी तरीके का पेन है, तो यूजुअली लोग जनरल फिजिशियन पे चले जाते हैं और किसी भी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके वो अपना मेडिसिन लेके अपना घर बैठ जाते हैं। पर कितना ज़रूरी है एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना, अगर हम चाहे हम न्यूरो में बात कर लें, हम कार्डियो में, हम किसी भी तरीके से हम बात कर लें, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक स्पेसिफिक फिजिशियन के पास जाएं, एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाएं, एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जब आपको किसी भी तरीके की ऐसी परेशानी होती है? देखिए आपका सवाल बहुत जायज़ है। देखिए पहली बात तो जब हम अपने पढ़ाई की सीढ़ी में चढ़ रहे होते हैं तो सभी लोगों ने पहले बेसलाइन में MBBS किया होता है, उसके बाद वो फिजिशियंस हो जाते हैं या सर्जन्स बन जाते हैं, और उसके बाद वो सुपर स्पेशलाइज करके सुपर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने फ़न को धीरे धीरे करके, पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है हमारा काम, फिर हम धीरे धीरे करके थोड़ा सा कोन डाउन करके किसी एक चीज़ के हम माहिर हो जाते हैं, फिर हम सुपर स्पेशलाइज कर जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि फिजिशियंस के पास या MBBS GPs के पास पेशेंट्स ना जाएं। मैं ये कहूँगा कि क्योंकि उन लोगों की बेस और उन लोगों की जो जो पहुँच पेशेंट्स की और जितने आसानी से वो मिल जाते हैं, तो वो ज़रूर करें। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये इस बात को समझें कि आपकी समस्या कुछ ऐसी है जो कि शायद एक जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन से नहीं संभल रही है, और अक्सर हमारे फिजिशियन मित्र और GP भी इस चीज़ को एहसास करते हैं कि इनिशियल ट्रीट करते हैं, वो एक स्क्रीनिंग टाइप कर देते हैं, है ना, और उनको जब ये समझ में आता है कि ये शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला, जैसे मसलन न्यूरोलॉजी में मैं कहूँ, जैसे आम सिरदर्द के लिए अक्सर मरीज़ जो है वो एक रूटीन जनरल फिजिशियन या MD मेडिसिन के पास ही जाते हैं। अब उस GP और MD मेडिसिन का काम जो है वो ये है कि वो इस चीज़ को पहचाने कि क्या ये आम सिरदर्द है या इमरजेंसी में इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। आम सिरदर्द अगर इमरजेंसी में और कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तब तो इमिडिएटली वो लोग सुपर स्पेशलिस्ट के पास भेज दें, या मरीज़ इस चीज़ को एहसास करे कि भाई ये थोड़ा मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है तो शायद ज़रूरी है कि हम किसी स्पेशलिस्ट से मिलें। दूसरा, इवन अमूमन जो सिंपल सिरदर्द है जैसे माइग्रेन है, वो भी अगर मान लीजिए आम फिजिशियन से उससे नहीं ठीक हो रहा तो ज़रूर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि हम लोगों का तो काम ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस ट्रीट करना है। तो मतलब यही मैं कहना चाहूँगा कि दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, जो कॉमन चीज़ें हैं वो फिजिशियंस और वो ट्रीट कर लें, बट जहाँ भी मरीज़ को लगे या फिजिशियंस को या डॉक्टर्स को भी लगे कि ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं या नहीं हमसे ठीक हो रही, तो इमीडिएट रेफर करें, वो ज़रूरी है। बिल्कुल। साथ ही स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज, क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं? और अगर ये चीज़ें सेम हैं तो क्या है स्ट्रोक एक्चुअली, कि स्ट्रोक आना किसे कहते हैं? यूजुअली कहते हैं कि स्ट्रोक आया उनको या ब्रेन हैमरेज हो गया, तो क्या वो होता है और क्या उसमें भी कुछ प्रकार हैं कि ये है इस तरीके से? देखिए तो अब हम सिरदर्द जैसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम से हम स्ट्रोक जैसी, ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही ख़तरनाक प्रॉब्लम है, इस विषय पे हम अब हमने शिफ्ट कर दिया है। तो स्ट्रोक की अगर मैं जस्ट एक फील देने के लिए कि कितनी बड़ी समस्या है, तो स्ट्रोक या आम भाषा में जिसको पैरालिसिस या पक्षाघात आम भाषा में लोग ये टर्म्स यूज़ करते हैं, तो इसमें
जो है ये दुनिया में जितनी मौतें हो रही हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज से उसमें जो है सेकेंड लीडिंग कॉज है आफ्टर हार्ट अटैक. सो इट इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, तो मौत का ये जो है ये सेकेंड थर्ड इंडिया में थर्ड लीडिंग कॉज है. वेर एज फॉर मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मीन्स कि जब आपको स्ट्रोक होता है तो जो आपको इनकैपेसिटेट कर देती है या आपको बेकार कर देती है, पंगू कर देने वाली जो बीमारियां हैं दुनिया में, उसमें सबसे पहले नंबर की बीमारी है. सो दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसका एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मेरा टेक ये ज़रूर है कि लोगों को अपने हार्ट के बारे में बहुत चिंता होती है. लोग हमेशा चिंता करते हैं जी मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मुझे कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है. बट उसी तरीके से अवेयरनेस ब्रेन के बीमारी, जिस खासकर स्ट्रोक के बारे में लोगों को काफ़ी कम अवेयरनेस है, जबकि धीरे धीरे करके स्ट्रोक जो है ना हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है या हमारे दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि हो क्या रहा है, धीरे धीरे स्ट्रोक का यंग पॉपुलेशन में जो स्ट्रोक हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में उसकी संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है. प्लस मॉर्बिडिटी मीन्स खतरनाक जो स्ट्रोक जिससे कि पेशेंट बहुत बुरी तरीके से पंगु हो जाते हैं, उस चीज़ की भी जो संख्या है वो विदेशों में या जो सिविलाइज्ड वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके हिसाब से हमारे देश में इसकी बहुत ज़्यादा संख्या है. तो कहने का मतलब आप देखिए ना ये कि जो देश का यंग पॉपुलेशन है वो एक तो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, मतलब आप देखिए आपकी इकोनॉमी को कितना हिट करेगा ये चीज़. प्लस जब वो हिट करता है तो पेशेंट को पंगु बनाने की वो भी बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए इस चीज़ को बड़े सीरियसली समझने की ज़रूरत है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है. तो अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ. स्ट्रोक का मतलब ये हुआ कि ब्रेन के किसी एक हिस्से में का काम किसी वजह से काम रुक जाना, जिसमें से ब्रेन की जो वेसल्स है जो ब्लड सप्लाई है वो या तो रुक जाती है, जिसको फिर हम कहते हैं कि ये स्ट्रोक हुआ जिसमें क्लॉट वाला स्ट्रोक आम भाषा में लोग कहते हैं, और एक होता है उसका जो दूसरा पार्ट होता है जिसमें नस फट जाती है. तो नस फटने की वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो उसको हैमरेज बोलते हैं, ब्रेन हैमरेज वाला क्लॉट. सो अमूमन अगर हम उसको डिवीजन करें तो 80% केसेस जो होती हैं वो क्लॉट वाला स्ट्रोक होता है, जिसमें ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से ब्रेन में कुछ ब्रेन के हिस्से में काम करना बंद हो जाता है. तो 80% इज़ यूजली एन इश्कीमिक स्ट्रोक एंड 20% इज़ हैमरेज ब्लीड वाला स्ट्रोक. तो इस तरह का डिवीजन है दोनों में. दिस इज़ और कुछ छोटे मोटे कारण होते हैं जिसको सबअरेक्नॉइड हैमरेज, एवी मैलफॉर्मेशन का रप्चर हो जाना, कुछ ब्रेन में कुछ गुच्छियाँ होती हैं ब्रेन की वेसल्स की वो फट जाती हैं, ये सब चीज़ें छोटे कारण हैं इसके. तो अब आपका जो अगला सवाल जो था कि इसके बारे में मास अवेयरनेस फैलाना लोगों को बहुत ज़रूरी है. प्रिवेंशन भी, हाँ जी. और ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि जैसे हार्ट के लिए लोग बात करते रहते हैं कि भाई हार्ट डिजीज़ ना हो, इसके लिए हम जो है लोग बड़े ध्यान रखते हैं कि भाई हम ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, उसी तरह से स्ट्रोक ना हो ये भी. देखिए स्ट्रोक अपने आप में एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपको हो गया, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये सब ऐसी शरीर के ऐसे हिस्से हैं जिसमें जो सेल्स हैं या जो इनका जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये एक बार जो जब आप पैदा हुए जो आप जितने हैं उतना ही लेके आप आए हैं, उसके बाद जितना नुकसान होता है वो फिर कभी उसकी भरपाई नहीं होती. तो इसलिए ब्रेन का जो है जैसे हार्ट अटैक में जो हार्ट का जो डैमेज हो जाता है वो ठीक नहीं होता, उसी तरह ब्रेन में भी जो डैमेज हो जाता है वो कभी ठीक नहीं होता. तो इसलिए प्रिवेंशन जैसे हार्ट में है उसी तरह से ब्रेन में भी प्रिवेंशन ऑफ अ स्ट्रोक, प्रिवेंशन ऑफ अ स्ट्रोक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. अब अच्छी बात यह है कि जो प्रिवेंशन जो मेजर्स प्रिवेंशन के लिए हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, मोटा मोटी वही चीज़ ब्रेन में भी है. ठीक है, जैसे कीप अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी से बचना है, मोटापा नहीं होना चाहिए, खाना आपका अच्छा होना चाहिए, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिच, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर यदि आपको है तो आपको उसको कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है. फिर अगर आपको आपकी फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो फिर आपको अपने रेगुलर चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए. फिज़िकल एक्टिविटी जैसे हम लोग कॉमनली कहते हैं एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट वॉकिंग सैर जो है वो बहुत ज़रूरी है. छोटा मॉडरेट एक्सरसाइजेज करें वो भी ज़रूरी है. आम भाषा में इसको अगर वॉल्यूम एक नंबर हम देना चाहें तो हम कहते हैं कि 10,000 स्टेप्स, मतलब 10,000 कदम जो है कम से कम डेली आप रोज़ चलें. तो इससे जो है आपको स्ट्रोक प्रिवेंशन में मदद होती है. तो
कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें हैं, इसको कहते हैं प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स। तो ये प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स में जो चीज़ें आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं वो ये चीज़ें हो गई। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडिक्शंस विद अल्कोहल, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। तो इन चीज़ों से आपको जो है परहेज करना चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो फिर अमूमन आपको स्ट्रोक होने के चांसेस एज पर स्टडीज़ कहते हैं कि 80% रिस्क फॉर स्ट्रोक जो है वो कम हो जाता है। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि ये वक्त भी कोरोना का चल रहा है और इस वक्त में बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो लोग झेल रहे हैं, कोरोना तो झेल ही रहे हैं साथ में तमाम बीमारियाँ जो हैं उनके इलाज के लिए भी वो हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं, हालांकि आजकल वीडियो कॉलिंग के ज़रिए या टेली कॉलिंग के ज़रिए जो है वो इस तरीके से की जाती हैं। तो ऐसे में ब्रेन से संबंधी जो समस्याएं हैं वो कोविड के टाइम पे कितना ज़्यादा उभर कर आ रही हैं और इनको क्या हम उतनी उसी तरीके से डील कर पा रहे हैं जो हम कोविड से पहले करते थे? जी अब तो अभी कोविड जो है एक पैंडेमिक जो महामारी जो है उसके कारण से जैसे आप देख ही रहे हैं कि सारा ध्यान, सरकार का भी ध्यान, डॉक्टर्स का भी ध्यान, मीडिया का भी ध्यान जो है कोविड और उसके इलाज और संक्रमण से जो ग्रसित पेशेंट्स हैं उनके वेलफेयर में ज़्यादा जा रहा है। सही भी है क्योंकि ये एक बहुत ही विकराल रूप लेकर सामने आया हुआ है, बट साथ ही साथ ये बहुत दुख की बात है और ये हमने नोट किया है कि बाकी जो बीमारियां हैं उसके बारे में जो है एक तो लोग भी थोड़े से उतने सतर्क नहीं हैं और उन बीमारियों से जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो डर के मारे जो है हॉस्पिटल नहीं आना चाहते, ये सोच कर कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें कोविड हो जाएगा। तो ये चीज़ हम बहुत देख रहे हैं। जैसे मसलन स्ट्रोक में हम देख रहे हैं कि जो स्टडीज़ आई हैं विदेशों से भी, न सिर्फ हिंदुस्तान में, कि मरीजों को स्ट्रोक हो जा रहा है लेकिन डर के मारे जो है वो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो है एक बड़े दुख की बात है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रोक के इलाज में समय का बड़ा रोल है, अगर आपने समय पर स्ट्रोक का इलाज नहीं कराया जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, रफली गोल्डन पीरियड हम 4.5 घंटे को मानते हैं, तो उन 4.5 घंटों में यदि आप आइडेंटिफाई कर लें स्ट्रोक के सिम्टम्स और इमिडिएटली आ जाएँ तो काफ़ी हद तक स्ट्रोक को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इस कोरोना काल में लोग क्या है स्ट्रोक वाले पेशेंट्स आ नहीं रहे, फिर जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे मसलन सिर में दर्द की या माइग्रेन की भी, तो वो अपने आप में क्योंकि माइग्रेन या सिर का दर्द जो है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बढ़ जाता है, तो ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस कोरोना काल में क्योंकि ये जो कई नौकरियां लोगों की चली गई, इकोनॉमीज हैव बीन बैडली अफेक्टेड, फिर ये अपने आप में ये जो आइसोलेशन और ये जो क्वारंटीन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक तो स्ट्रेस वाले और डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और साथ में इन लोगों को सिर में दर्द की समस्या भी बहुत ज़्यादा अब देखने को आ रही है, तो ये सब भी बहुत इस तरह के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। दूसरा जो और न्यूरो की बीमारियां हैं मसलन पार्किंसंस डिजीज़ हो गया या उम्र से संबंधित जो एक एज रिलेटेड डिमेंशिया होता है, याददाश्त की समस्या, वो भी ऐसे मरीज़ जो हैं उनकी संख्या तो मैं नहीं कहूँगा कि बढ़ रही है लेकिन चूँकि इनके इलाज में देरी हो जा रही है या इनको पिकअप करने में क्योंकि हॉस्पिटल्स टाइम पे नहीं पहुँच रहे हैं तो इनकी इलाज में लापरवाही बहुत होने की वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हैं, तो ये एक चीज़ काफ़ी बढ़ गई है। दूसरा कोरोना अपने आप में जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें अपने साथ कुछ बीमारियाँ कोरोना की वजह से भी न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे स्ट्रोक की जो टेंडेंसी है वो कोरोना में बढ़ जाती है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि कोरोना में जो है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना की वजह से भी मरीजों में स्ट्रोक हो रहा है, कोरोना की वजह से ये जो डिमेंशिया या याददाश्त वाली प्रॉब्लम्स कई मरीज़ों में अब देखी जा रही है, कोरोना की वजह से नसों में दिक्कत आ जा रही है जिसकी वजह से छोटे मोटे पैरालिसिस हो जा रहे हैं उनको, फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी जिसे कहते हैं, चेहरे की फालिश जिसे कहते हैं, ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी कोरोना के मरीजों में हो रही है। फिर सूंघने की दिक्कत, वो भी न्यूरो की प्रॉब्लम में आती है, इसमें वो तो इनफैक्ट कहा गया है कि कोरोना के अर्ली सिम्टम्स में आती हैं कि जैसे कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं उनको स्मेल में वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और हमारा काम कोरोना काल में बढ़ भी गया है, बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि चूँकि
बेड्स भी जो है हॉस्पिटल्स में इतने उन नॉन कोरोना पेशेंट्स के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो हम लोग स्ट्रगल तो कर रहे हैं, बट आई होप दिस टाइम विल आल्सो पास। बिल्कुल सर, और क्योंकि कोविड के टाइम पे इतना आप लोग डॉक्टर्स इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी फैमिली से भी यूजुअली डॉक्टर्स दूर रह रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय बात है और वी आर रियली थैंकफुल टू यू। सर ऐसे में मैं आपसे एक, हर बार मैं जब अपने डॉक्टर स्पेशल में हम डॉक्टर्स से मिलते हैं तो मैं हर बार उनसे एक लाइट क्वेश्चन ज़रूर करती हूँ, वो ये होता है कि आप अपने अपना कोई भी ऐसा एक वाक्य हमसे शेयर कीजिए जो आपको याद हो और जिसको शायद आपके लिए भूलना, ऑल्दो हर पेशेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू और हर पेशेंट जो है वो आपके लिए स्पेशल होता है, उसको ट्रीट करना, उसको अच्छे से घर भेजना, लेकिन कोई एक ऐसा वाक्या हुआ हो जो आपको याद हो और वो आप कभी नहीं भूल सकते। एकदम ऑफ हैंड तो शायद मैं अपने बेस्ट वाक्या तो नहीं वो कर पाऊंगा, बट देखिए हमारी जो जो हमारा प्रोफेशन है जी, उसमें हम लोग मान के चलिए कि डेली 50 से 60 नए लोगों से मिलते हैं जी, जिसमें मरीज भी होते हैं, मरीजों के अटेंडेंट भी होते हैं और हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो डेफिनेटली हमें अच्छे अनुभव भी होते हैं, ख़राब कटु अनुभव भी होते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल जैसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट आया था मेरे पास, तो वो वैसे मैं बताना चाहूँगी मुझे भी माइग्रेन है तो मेरा भी सर बहुत दुख रहा था, वैसे मुझे बहुत माइल्ड माइग्रेन है, मुझे एपिसोडिक माइग्रेन है, मुझे मतलब 2-3 महीने में एक बार हो जाता है हेडेक। तो मैं जो है ओपीडी में बैठा हुआ था और मेरा सिर दुख रहा था और मेरे पास जो है उस दिन जो है किस्मत से जो है 3-4 पेशेंट थे, वो भी सब सिर में दर्द के और ऐसे आए हुए थे। तो एक माताजी थी उस वक्त आई हुई, तो मुझे सिर में दर्द काफ़ी हो गया था, तो मैंने अपने असिस्टेंट से जो है फ़ोन पे ही मैंने कहा अरे एक पेन किलर का नाम जो है ये ज़रा लेके आ जाओ, मेरे को थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, ज़रा मेरे को खाना। तो वो जो माताजी मेरे पास जो बैठी हुई थी, तो उनका जो चेहरे का जो भाव था वो बड़ा देखकर वो एकदम चौंक गई और जो है सकपका सी गई और फिर धीरे से मुझसे बोलती कि डॉक्टर साहब आपको भी सिर में दर्द होता है। तो फिर वो वाक्या जो है वैसे तो छोटा सा वाक्या था बट बड़ा मुझे हुआ क्योंकि मरीज़ ऐसा सोचते हैं कि शायद डॉक्टर जो है इसको कुछ नहीं हो सकता और तो मैंने बड़े कैंडिडली उनसे कहा भी, मैंने कहा माताजी आप जिस बीमारी से ग्रसित हैं उसी के छोटे फॉर्म में मुझे भी है। तो बोले कि फिर वो शी इनफैक्ट जोकिंगली सेड कि तो फिर इलाज तो कर लोगे ना मेरा ठीक से तो वो बड़ा अच्छा वाक्य था, मैंने उनको समझाया कि नहीं इलाज तो उनके माइंड में शायद ये रहा होगा कि डॉक्टर होके खुद अपना ही नहीं वहाँ। हाँ तो वो एक बड़ा मजाकिया वाक्य था और इस तरह के वाक्यात हमारे साथ होते रहते हैं जी। बिल्कुल सर, गंभीर चर्चा पर अगर हम वापस आएँ तो मुझे हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ओपन सर्जरी हमने सुना है होती है और एक नॉर्मल सर्जरी होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद क्या पेशेंट अपनी रेगुलर लाइफ में जैसा वो स्ट्रोक से पहले या फिर बीमारी से पहले था, क्या वो अपनी रेगुलर लाइफ में वैसे आ पाता है कभी, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है तो ब्रेन यूजुअली वर्क, जब एक बार उसमें गैप या कुछ चीज़ आ गई उसके बाद क्या रेगुलर लाइफ में आना ईजी होता है, टफ होता है, या कभी नहीं आ पाते? तो आपके पहले सवाल का जवाब कि हाँ ब्रेन की सर्जरीज, ओपन सर्जरीज और एंडोस्कोपिक सर्जरीज, इंडोवैस्कुलर सर्जरीज, इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं। जैसे 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 साइंस और मेडिकल साइंस में तरक्की होती चली जा रही है तो हो ये रहा है कि जैसे पहले मान लीजिए ऑपरेट करने के लिए बड़ा ओपन फील्ड चाहिए होता था, वाइडली ओपन फील्ड, तो उसमें हमें बड़ा कट लगाना पड़ता था या ब्रेन को खोलने के लिए हमें बड़ा एरिया खोलना पड़ता था। तो धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट होती चली गई तो कोशिश ये रहती है कि अब मिनिमम छोटे से सर्जरी से, जैसे एंडोस्कोपिक सर्जरी बाकी जो है उनमें भी हो रहा, वैसे ही ब्रेन में भी होता है कि मिनिमम जो है एक्सेस लेके हम कर पाएँ, तो उसके लिए जो है एंडोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं आजकल, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा स्ट्रोक से संबंधित अगर मैं कहूँ तो एंडोवैस्कुलर सर्जरीज होती हैं जिसमें क्या होता है कि जो सर्जन होते हैं वो तार से जो है ब्रेन के मतलब नसों या ब्लड वेसल्स के अंदर वो तार डालकर ब्रेन की ब्लड वेसल्स तक चले जाते हैं, ब्रेन की धमनियों तक, और फिर वहाँ पर जो भी चीज़ें रिपेयर कर सकते हैं, जैसे अगर क्लॉट है तो उसको निकाल लेते हैं, अगर कोई एबनॉर्मल ब्लड का गुच्छा है
जिसकी वजह से वहाँ ब्लीडिंग हो गई है कुछ है तो उसको करेक्ट कर लेते हैं, जिसको कॉइलिंग बोलते हैं या इस टाइप की चीज़ें जो है ये आजकल काफ़ी रेगुलरली हो रही हैं। तो ये वापस आया जा सकता अब है। दूसरे सवाल का आपका जवाब, इसको जो है जिसको कहते हैं कि पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, तो देखिए पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये है कि आप जो है स्ट्रोक को प्रिवेंट करें, जैसे हमने यू नो एज वी वेंट एज पर दी यू नो डिस्कशन, पहली चीज़ तो स्ट्रोक ना हो, सबसे अच्छी बात, तो उसके लिए आप प्रिवेंशन करिए। दूसरी चीज़ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपको स्ट्रोक हो तो आप अपने नियरेस्ट जिसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहते हैं उसमें ज़रूर जाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर समय जो है हम लोग कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन, मतलब जितना समय जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे उतनी जल्दी और जितनी जल्दी आपका इलाज शुरू होगा तो वो उतनी जल्दी आपको स्ट्रोक के जो पोस्ट स्ट्रोक इफ़ेक्ट्स जो होते हैं जिसको पोस्ट स्ट्रोक सीक्वली बोलते हैं कि जो आपको बीमारी रह जाएगी वो उतनी ही कम होगी। अब इसमें एक चीज़ जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि स्ट्रोक को अर्ली आइडेंटिफाई कैसे करें, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट छोटे वो हैं जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करें। तो इसका एक छोटा निमोनिक है जिसको कहते हैं बी फास्ट, तो वेर बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस प्रॉब्लम। तो यदि मान लीजिए अचानक चलते चलते आपको बैलेंस की दिक्कत हो जाए, ठीक है, ई मीन्स आई, तो आई से संबंधित जैसे या तो आपको अचानक से दिखना कम हो गया या देखने में भेंगापन आ गया, टेढ़ापन आ गया, तो ये चीज़ एक ये सिम्टम आ गया बी ई। उसके बाद बी फास्ट, तो एफ इज़ फेशियल ड्रूपिंग, चेहरा आपका लटक गया एक तरीके से, है ना, तो उसको एक वो एक सिम्टम है स्ट्रोक का। फिर फास्ट में ए इज़ आर्म ड्रिफ्ट, जैसे आप अपना हाथ ऐसा करें और आपको लगे कि हाथ आपका जो है वो नीचे चला जा रहा है या हाथ में कमज़ोरी आ गई है आपके, तो दैट स्टैंड्स फॉर ए स्टैंड फॉर आर्म ड्रिफ्ट। एस इज़ स्पीच, अचानक आपको बोलने में दिक्कत आनी शुरू हो गई या आप कुछ उल्टा सीधा कन्फ्यूज गार्बल्ड स्पीच हो गया, तो ये बी फास्ट का ये निमोनिक है। और टी मीन्स टाइम, मतलब ऐसी अगर कोई भी चीज़ आपको अचानक से आपके या आपके किसी रिश्तेदार को हो तो ये हो सकता है कि स्ट्रोक के सिम्टम हो, तो ऐसी परिस्थिति में वेट नहीं करना, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल में भी प्रेफरेबली किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ कम से कम सीटी स्कैन की तो व्यवस्था हो, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हुआ तो वो किसी क्लिनिक पर चले जाते हैं या किसी फिजिशियन के पास चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है वो एक बहुत कीमती समय वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ में समय जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, मान लो फिजिशियन के पास गए, फिजिशियन के पास एक लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी पेशेंट्स बैठे हुए वहाँ पे, फिर उन्होंने जो है दो घंटे बाद देखा, फिर उनको लगा अच्छा स्ट्रोक है, फिर उन्होंने सीटी स्कैन या एमआरआई कराया, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट समय एक बहुत निकल जाता है। तो इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जैसे ये सिम्टम्स आए तुरंत आप एक ऐसे अस्पताल में जाएँ पहले तो, और दूसरा कि ऐसे अस्पताल में जाएँ जहाँ कम से कम सीटी स्कैन हो। अब आ गए आपके सवाल पे, तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपके पहले सवाल, यानी कि क्या ये मरीज़ अपने नॉर्मल पोस्ट स्ट्रोक आ सकता है कि नहीं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो अगर आपने प्रिवेंट कर लिया स्ट्रोक बहुत ही अच्छा, दूसरा अगर आपने समय पर आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मुझे स्ट्रोक हुआ या आपके किसी को पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, तीसरा कि आप हॉस्पिटल समय पर पहुँच गए, उस समय को भी हम कहते हैं डोर टू नीडल टाइम, जो कि नॉर्मली हमारा ये रहता है कि हम डॉक्टर्स को कहते हैं कि कोशिश ये होनी चाहिए कि डोर टू नीडल टाइम एक घंटे हो। सो मतलब पेशेंट अस्पताल पहुंचा और जो भी उसका ट्रीटमेंट करना हो, जैसे स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट होता है एक्यूट स्ट्रोक का वो होता है या तो हम कुछ इंजेक्शन देते हैं जिससे कि क्लॉट को घोल सकें, या एंडोवैस्कुलर जो हमारी बात हुई थी कि वो तार के थ्रू जाके वो क्लॉट खींच लेते हैं, तो ये जो काम है ये जो भी डिसीजन हमें लेना एक घंटे में ले लें, तो उसको कहते हैं डोर टू नीडल टाइम, ठीक है, तो ये कम हो, ठीक है। तो यदि आप समय पर अस्पताल सिम्टम्स को पहचान गए, समय पर अस्पताल पहुंच गए और भगवान की दया से आपको जो है राइट ट्रीटमेंट मिल गया, तो फिर आपको जो भी डैमेज होगा स्ट्रोक होगा उसकी इंटेंसिटी या उसका जो उसकी जो आपको जो जितनी बड़ी होगी वो मिनिमम होगा। तो अगर आपको मिनिमम स्ट्रोक होगा तो आपका ऑब्वियसली आपका जो प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस मीन्स की पोस्ट स्ट्रोक इम्प्रूवमेंट, वो भी अच्छा होगा। तो इसलिए इस चीज़ का जवाब एक्चुअली कि वो स्ट्रोक इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं, सब इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि स्ट्रोक कितना बड़ा कितना भयानक हुआ है और उसका सही से इलाज उस समय पर एक्यूट स्ट्रोक के टाइम पे हुआ कि नहीं।
अगर ये चीज़ें सही होती हैं तो यूजुअली प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मान लीजिए बड़ा स्ट्रोक है, ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक एरियाज ऑफ द ब्रेन, वो ब्रेन में एक छोटा हिस्सा हो सकती है, जैसे ब्रेन स्टेम जिसको कहते हैं, वो ब्रेन का एक छोटा हिस्सा होती है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस अगर स्ट्रोक उस जगह हो जाए तो फिर डेफिसिट्स, मतलब उसकी वजह से आने वाली जो कमज़ोरी है वो ज़्यादा होती है। फिर ब्रेन के बाएं हिस्से में स्ट्रोक हुआ कि दाएं हिस्से में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपके ब्रेन के बाएं हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो ब्रेन के बाएं हिस्से में अमूमन जितनी आपकी बात करने की क्षमता, मेमोरी, याददाश्त, ये सारी चीज़ें ब्रेन के बाएं हिस्से में होती हैं। तो अगर आपके ब्रेन के बाएं हिस्से में स्ट्रोक हुआ तो उसका जो 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 इम्प्लीकेशंस हैं, इफ़ेक्ट जो है लॉन्ग टर्म, वो भी ज़्यादा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बट बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक को टाइम से आइडेंटिफाई करना और एक अस्पताल में ले जाना जहाँ कम से कम करो। हम तो एज ए, मैं कहूँगा लेमैन या पेशेंट, तो आप यही कर सकते हैं कि इंश्योर ये करें कि आप जल्दी से जल्दी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुँच जाएँ, ठीक है। तो बाकी प्रोग्नोसिस इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़, डेफिनेटली अब क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि अब तो लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। पर फिजियोथेरेपी में, न्यूरो फिजियोथेरेपी में भी धीरे धीरे नए नए आयाम आ गए हैं, जिसकी वजह से खराब पेशेंट में भी बहुत कुछ अच्छी रिकवरी आ जाती है अब। पर उसमें इंपॉर्टेंट है अगेन कि स्ट्रोक का रिहैबिलिटेशन भी अर्ली से अर्ली शुरू हो जाए। ऐसा पेशेंट जिसमें रिहैबिलिटेशन लेट शुरू हुआ, मतलब पेशेंट किसी वजह से कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, वो जो है 2-3 महीना डिले हो गया उसका फिजियोथेरेपी में, तो डिले इन फिजियोथेरेपी ऑल्सो डिपेंड्स, मतलब उसमें की वजह से भी प्रोग्नोसिस खराब हो जाती है। तो मैं यही, मतलब यह है कि एक तो ट्रीटमेंट सही हो, सही समय पे हो, और रिहैबिलिटेशन अगर अर्ली शुरू हो जाए तो ज़्यादातर केसेस में प्रोग्नोसिस ठीक रहता है। तो क्या ये माने कि जितना लंबा वक्त जो है वो इस पूरे, जितना बड़ा स्ट्रोक है, जितनी बड़ी परेशानी है, उतना ही लंबा वक्त भी लगता है क्योर होने में बाद में? बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये स्ट्रोक की जो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, और जैसे मैंने बताया कि बायां और दायां पे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उस पे सारी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। और ये भी बात जो है बिना लाग लपेट के मैं कहना चाहूँगा कि अगर स्ट्रोक ख़राब होता है या बड़ा स्ट्रोक होता है तो यूजुअली बहुत हद तक पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होते, ठीक है। और शायद यही वजह है, जैसे जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि स्ट्रोक जो है मॉर्बिडिटी का वर्ल्ड में सबसे टॉप रीज़न है, मतलब स्ट्रोक की वजह से आने वाली अपंगता या पंगुता जो है वो दुनिया में किसी और बीमारी में सबसे टॉप पे आती है। और फिर इसलिए मैं फिर उस बात पर घूम के जाना चाहूँगा कि इसलिए स्ट्रोक के बारे में, स्ट्रोक का इलाज जानने के बारे में, और स्ट्रोक ना हो इस प्रिवेंशन के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रोक को आप जितनी अच्छे से ट्रीट करेंगे और अगर उसकी प्रिवेंटिव चीज़ों को अगर वो करेंगे तो आपको स्ट्रोक होगा ही नहीं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्योंकि हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं वो ये भी, उनके जहन में भी ये सवाल हमेशा रहता होगा और हमेशा ये बात सामने रहती है कि बोलते हैं कि हमें ना अब चीज़ें याद नहीं रहती। अक्सर ऐसी चीज़ें होती है कि हम भूल जाते हैं, जब से हमारे साथ ये परेशानी हुई तब से हम भूल जाते हैं, कोई हमारे साथ कोई ऐसा वाकया है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ होता है, उसके बाद से हम चीज़ें भूलने लगते हैं। कोई भी आपका मेजर इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ा, उसके बाद आप चीज़ें भूलने लगते हैं। तो इसका क्या क्योर है और कैसे जो है इस प्रॉब्लम से, या फिर ये सिर्फ हमारे माइंड में कि हम भूल जाते हैं, ऐसा होता नहीं है, तो ये पूरा प्रोसीजर क्या है और कैसे से मतलब रिलीफ मिल सकता है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया, क्योंकि मैं अगर आपसे कहूँ तो ये सवाल जो है ये शायद एक न्यूरोलॉजिस्ट जो सबसे कॉमनली फेस करता है। मतलब चलते फिरते सड़क पे दुकानदार, कोई भी दोस्त जो है वो जब जानता है कि सुनता है कि अच्छा आप न्यूरोलॉजिस्ट, तो सबसे पहले सवाल यही होता है, सबसे कॉमनेस्ट सवाल यही होता है कि अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मैं ना आजकल भूलने बहुत लगा हूँ, तो इसका कोई इलाज बताओ। सो आई थिंक यू हैव एप्ट आस्ड अ वेरी एप्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि कुछ तो ये जो भूलने की बीमारी होती है सीरियस होती है, ठीक है, जिसमें एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आपने सुना होगा अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में, तो ये जो है ये एक एज ग्रुप है यूजली 60-65 के बाद होती है, जिसको प्योरली डीजनरेटिव डिमेंशिया बोलते हैं, इसकी एक अलग ग्रुप है। फिर उसके बाद ऐसे लोग जिन लोगों ने बड़ी बदपरहेजी करी, जैसे जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है,
थायराइड की बीमारी है, ये लोग अपना ध्यान नहीं रखते, तो फिर इनको धीरे धीरे करके ब्रेन में धीरे धीरे करके जैसे स्ट्रोक्स होने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, तो स्ट्रोक जो धीरे धीरे जमा हो के बहुत सारे जब एक एरिया के मतलब ब्रेन के बहुत मैक्सिमम एरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो फिर इन लोगों को भी मेमोरी की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये तो एक वो सेट हुआ जो कि 60-65 के बाद या तो डिजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या स्ट्रोक्स हो गए या डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ, तो ये एक सेक्शन है। दूसरा एक बहुत कॉमन सेक्शन ऑफ पीपल है जिन लोगों को मेटाबॉलिक कारणों से, जैसे मान लीजिए विटामिन B12 एक चीज़ होती है, ये अमूमन जो है वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की बहुत कमी रहती है, तो इसकी वजह से भी लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये एक रिवर्सिबल कॉज है, मतलब इसको अगर आप हमने टेस्ट किया B12 लो आया तो हम करेक्ट करें तो ठीक हो जाता है। थायराइड की समस्या, ये एक रिवर्सिबल कॉज फॉर डिमेंशिया है, अगर आपको थायराइड है आप इलाज नहीं करा रहे हैं तो आपको याददाश्त की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन वगैरह की वजह भी याददाश्त की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब मैं आऊँगा जो एक जो कॉमनेस्ट जो हमें रोज़ देखता हूँ वो है कि यंग पेशेंट्स जो लोग कहते हैं मुझे याददाश्त, वैसे ठीक है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनको याददाश्त की प्रॉब्लम हो रही है, तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ये इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर वेरी टफ लाइफस्टाइल। ठीक है, जिसको कहते हैं स्यूडो डिमेंशिया। स्यूडो डिमेंशिया मीन्स कि मरीज़ को लगता है कि मेरी याददाश्त ख़राब हो गई है लेकिन उसको एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती, तो डिप्रेशन के मरीज़ों में स्यूडो डिमेंशिया हो सकता है। ठीक है, फिर जो लोग जिन लोगों की लाइफस्टाइल ख़राब है, जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे एक ही समय चार काम कर रहे हैं, है ना, फोकस नहीं है जिन लोगों का काम में, फिर डिप्रेशन की वजह से हो जा रहा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिन लोगों को, उन लोगों को भी मेमोरी की प्रॉब्लम्स जो है उनको लगता है कि मुझे हो गई है। ठीक है, तो इसमें जो इलाज है वो मेन ये है कि हम यूजुअली जब पेशेंट से मिलते हैं तो उनसे बातों से और उनके प्रोफाइल से हमें समझ में आ जाता है कि इस पेशेंट को रियली कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। फिर हम रिवर्सिबल कॉजेज देख लेते हैं, जैसे बात कहें कि डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं, विटामिन B12 लेवल्स ठीक है कि नहीं, थायराइड ठीक है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसके जॉब प्रोफाइल देखते हैं भी कैसा काम है, स्ट्रेस टेंशन इन सब चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन सब के बाद जैसे, तो जैसे जो आपने सवाल पूछा, तो अक्सरान जो यंग पेशेंट हैं जिनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा उनको मैसेज यही है कि योगा मेडिटेशन हैविंग ए वेरी गुड लाइफ स्टाइल, ये अपने आप में इस तरह की मेमोरी प्रॉब्लम्स और इसके लिए बहुत अच्छा इलाज है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बाकी चीज़ों में तो मैंने इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई ही, बट मेमोरी में भी जो भी जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो अगर योगा मेडिटेशन फिजिकल एक्टिविटी ठीक से करें तो फिर उन लोगों को यूजुअली प्रॉब्लम होगी नहीं। बहुत अच्छा एडवाइस भी है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। अगली बार डॉक्टर स्पेशल में हम एक और अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे जो कि खुद ह्यूमैनिटी की मिसाल होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।